यमुनानगर में पीला रुतवा किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है पीला रुतवा। हालांकि इस फसलों को लगने वाली इस बीमारी को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं और समय समय पर दवाइयों के छिड़काव के बारे में भी जानकारी दी जा रही है ताकि ये ना फैले और फसलों को नुकसान ना हो। वही किसानों का कहना है कि कई जगह छिड़काव के बाद भी पीला रुतवा हो रहा है और एक बार जब ये फसल को लग जाता है तो 20 से 25% तक नुकसान झेलना पड़ता है। नुकसान तो जी काफ़ी ज़्यादा है जी, और बार बार पीला रतवा ही रहा। पहले भी स्प्रे की हमने इसमें, दोबारा से फिर आ गया है। 10 दिन पहले स्प्रे की थी हमने। ये मौसम की नमी के कारण बताते हैं जी, नहीं बस बात तो आज ही की थी जी सर कृषि विभाग में। अगर जी इसकी रोकथाम ना हो फिर तो पूरी फसल को ख़त्म कर देगा जी। अगर इसकी दवाई टाइम पर डाल दी जाए तो बचाव हो जाता है, फिर भी कम से कम 20-25% का नुकसान तो कर ही जाएगा जी। फसल है जी, गेहूँ का ही नुकसान होगा सर। अभी तो कुछ नहीं जी, अभी तो कच्ची है जी, बिल्कुल अभी पक्की कहाँ है। पहचान बड़ी आसान है। कई बार कंफ्यूज हो जाते किसान भी पीला रतवा जल भराव के कारण या जो वीडीसाइड स्प्रे उसके कारण भी पीलापन आ जाता है गेहूँ की फसल में। पर अगर उस पर अगर हाथ पे पत्ता हम लगाएं या किसी सफ़ेद कागज़ या कपड़े पर लगाएं, अगर उस पर पीलापन आता है इट मीन्स ये पीला रतवा है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये पीला रतवा है या किसी और वजह से गेहूँ की फसल में पीलापन आया है। पहले हैं या जो हमारी चौपाल बैठक हैं वहाँ बार बार हम जाके किसानों को सचेत कर रहे हैं इस बारे में, और जो पत्रकार बंधु हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी किसानों को बार बार इस बीमारी के बारे में अवेयर। तो किसानों से आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा भाई, जो दवाई है फंगीसाइड जो सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा 50% अनुदान पर दी जा रही है किसानों को, वो हरियाणा विकास बीज निगम और जो भूमि सुधार निगम उसके काउंटर से आप किसान प्राप्त कर सकते हैं। स्टाफ है जी, ATM BTM है, कृषि विकास अधिकारी हैं, वो टच में हैं, गांव के टच में हैं, उनकी रैंडम विजिट भी होती है और कई किसान फ़ोन भी करते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम विजिट करते हैं।